राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और आज चुनावी नगरी की टीम के साथ हम लोग पहुंचे हैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र में और हम यहां कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी आंटी, क्या नाम है आपका? तारा जैन। हाँ जी, तारा देवी जैन। क्या उम्र है आपकी? 75। 75 की उम्र है। आप देख सकते हैं कि आंटी की उम्र जो है वो 75 साल है और ये व्हीलचेयर पे होने के बावजूद भी मतदान करने यहाँ पर आई हैं और एक ये हमारे युवा हैं या और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविन बुडानिया सर। क्या करते हैं रविन जी? मैं साहब समाज सेवी हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार हवा किस ओर बह रही है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला मना हुआ है और उस मुकाबले में अभी हाल फिलहाल अभिषेक चौधरी बहुत ही ज़्यादा मतों से आगे विजयी होने वाले हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि अभिषेक चौधरी एक नया चेहरा है, हालांकि राजनीति में पुराना वर्चस्व रखते हैं लेकिन नया चेहरा बताया जा रहा है झोटवाड़ा विधानसभा के लिए, तो उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए साहब, नया चेहरा बिल्कुल है क्योंकि जो टिकट है वो उसकी 15 दिन पहले ही फाइनल हुई और वैसे अगर उसका उदाहरण चेक करा जाए तो वो बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है, युवा के लिए एक मिसाल है और इसीलिए लोग 15 दिन में भी उसने इतने बड़े विधानसभा के अंदर इतना अच्छा कार्य किया है, मुझे लगता है कि वो एक उस लायक है, निष्ठादार है, ईमानदार है, तो उसी को जिताना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है और भी वरिष्ठ नागरिक हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम PC जैन है। क्या करते हैं आप? हम आराम आराम करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार रुझान किस ओर है, हवा किस ओर है? एक नंबर का ही है। एक नंबर का ही है। क्या लग रहा है, क्या विकास कार्य की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले विधायक से और किस तरह? युवा नेता तो विकास तो करना ही चाहिए, नहीं करेगा तो फिर कैसे युवा बनेगा। बहुत बढ़िया। और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जी आपका क्या नाम है? जय कुमार जैन। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। तो क्या लग रहा है सर इस बार किस ओर रुझान? देखिए, ये तो आज के दिन तो कहना मुश्किल ही है, ये लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं तो यही अपील करता हूं कि जिसको भी चुने सोच समझ कर चुने, अपने देश और प्रदेश की भविष्य को देखकर चुने, सरकार की योजनाओं को देखकर चुने और अपनी अंतरात्मा को देखकर वोट डालें। वोट डालें ज़रूर। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहाँ 50 से लेकर 60% तक ही पोलिंग होती है। इस पोलिंग को 90 से 100% तक कैसे हो, ये व्यक्तिगत रूप से हम सब की और सरकार की और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र जीवित रहे और मजबूत हो। बहुत अच्छी बात कही है अंकल ने कि वोट जरूर डालें। हाँ। जी आपका क्या नाम? मंजू जैन। क्या करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ। तो क्या लग रहा है इस बार किस ओर है? मैं तो कांग्रेस की हूँ कट्टर और कांग्रेस जीतना चाहिए और अभिषेक चौधरी हमारा बच्चा है। क्या लग रहा है कांग्रेस ने अब तक पिछले कार्यकाल में कुछ विकास किए? अच्छे किए, इसीलिए कह रही हूँ कि कांग्रेस अभिषेक चौधरी ही जीतना चाहिए, हमारा खुद का बच्चा हो। अभिषेक चौधरी के लिए बताया जा रहा है कि नया चेहरा है झोटवाड़ा में, कोई अच्छा काम करेगा, जो नया चेहरा होता है वो बहुत मेहनत और लगन से काम करता है। वो आंटी का कहना है कि नया चेहरा मेहनत और लगन से काम करता है। तो हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं दिलीप सोनी बोल रहा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, सेक्रेटरी में, सचिवालय में। क्या लग रहा है दिलीप जी, इस बार हवा किस ओर जा रही है? हवा तो इसे एक टॉप सीक्रेट होता है, हमने वोट दे दिया, बड़ा अच्छा लगा, हमने देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी, बाकी जनता जनार्दन है, क्या रहता है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार पिछले कार्यकाल में जो कांग्रेस का रहा है, कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है, आने वाले से आप कुछ क्या विकास की उम्मीद करते हैं, कैसा है? देखो, अभी तक जो गवर्नमेंट थी हमारी बहुत अच्छा विकास किया, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमारे जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी मिलनी थी वो पूरी फैसिलिटी मिली है हमें। आगे गवर्नमेंट किसकी बननी है, क्या बननी है, वो तो आगे आने के बाद ही हम बता पाएंगे। जी आपका क्या नाम है आंटी? मेरा नाम मंजू सोनी। क्या करते हैं आप? जी टीचिंग जॉब में। क्या लग रहा है आपको इस बार की, क्या किस तरफ हवा जा रही है? देखो, हवा का तो कहना मुश्किल है और वैसे दोनों पलड़ों को बराबर ही माना जा रहा है और फिर आगे देखो किसकी होती है, हो सकता है मिलीजुली सरकार बने। सर, आपका पर्सनल ओपिनियन जाना जाए तो आप क्या चाहते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए? अब पर्सनल में तो ऐसा है कि जो काम को देखते हुए तो उसको तो देखकर लगता है कि कांग्रेस बननी चाहिए, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। तो महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने कुछ कदम उठाए?
अब महिलाओं के लिए क्या पूरे देश में ही जो भी काम हुए हैं, सारे जो भी गवर्नमेंट आती है वैसे सारा ही करती है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए भी कर ही रही है, महिलाओं के विकास के लिए भी कार्य कर ही रही है और आगे भी करती रहे। तो ये थे यहाँ के लोग जिन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो विकास कार्य में लगातार जुटी हुई है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आप? मोहित जी। मोहित जी क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है जी। तो क्या लग रहा है इस बार किस ओर रुझान है, हवा किस ओर पलटने वाली है? कुछ समय पहले तक वैशाली नगर की हवा कुछ और कह रही थी और आज कुछ और कह रही है। जब से टिकट फाइनल हुआ है अभिषेक चौधरी जी का, परसों हमने यहाँ वैशाली नगर में रोड शो देखा अभिषेक जी का, उसके बाद से हवा पूरी तरह पलट चुकी है और आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। नए चेहरे को लेकर के कुछ बातें सामने आ रही है, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि नया चेहरा है अभी इतना विधानसभा में, झोटवाड़ा विधानसभा में इतना लोग नहीं जानते हैं, तो उस बारे में? लोग नहीं जानते हैं, उसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभिषेक जी को यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल ज़ीरो है आज की तारीख में इस युवा चेहरे के पीछे। और जो लोग चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेते थे या सक्रिय नहीं थे, वो भी इनके साथ में आज पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और इनका भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत रोचक होने वाले हैं और इनका परिणाम भी बहुत रोचक आएगा 3 तारीख को। बहुत बड़ी, ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग जो जिनका कहना है कि चुनाव इस बार बहुत रोचक हो रहे हैं और इनका जो परिणाम है वो भी बहुत ही रोचक होने वाला है।